मध्य प्रदेश के इस भ्रष्टाचार के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की। राज्य की राजधानी लखनऊ के लेवाना होटल में सोमवार को भीषण आग लगी। इस आग ने चार लोगों की जिंदगी छीन ली। उन लोगों की जान बच सकती थी अगर होटल को बनाने में नियम और कायदों का पालन किया गया होता। सरकार का कहना है कि अब इस होटल को तोड़ा जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA से उन अफसरों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है जो इस मामले में दोषी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक होटल को लेकर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि LDA और होटल मालिकों के गठजोड़ ने लखनऊ के कई होटलों का वही हाल कर रखा है जो लेवाना होटल का था। आप देखिए हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी की एक खास पड़ताल। आवाज आई 210 210 निकालो। हम लिफ्ट की तरफ भागने लगे तो लिफ्ट की तरफ भी पूरा धुआं हो चुका था। लेवाना होटल के अग्निकांड के बाद में राजधानी लखनऊ के होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों के जो नक्शे हैं प्राधिकरण से पास किए हुए, उनके उपयोग पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लखनऊ के जिस होटल में लगी आग में चार लोगों की जान चली गई, वहां लापरवाहियों की कहानियों की लंबी फेहरिस्त सामने आ रही है। फायर विभाग की तरफ से इस होटल को एक और सीढ़ी बनाने के लिए कहा गया था। इसे लगातार नोटिस भी दिए गए, लेकिन होटल मैनेजमेंट ने उसकी परवाह नहीं की। लेकिन सवाल सिर्फ इस एक होटल का नहीं, और सवाल सिर्फ होटल चलाने वालों की लापरवाही का नहीं, सवाल तो भ्रष्टाचार के उस गठबंधन का है जो LDA और होटल मालिकों के बीच चलता है। और इसी जानलेवा गठजोड़ की पोल खोलने के लिए ABP न्यूज ने लखनऊ के कई और होटलों की पड़ताल की। रसों को सुविधा शुल्क के आगे लखनऊ विकास प्राधिकरण किस तरह नतमस्तक है, इसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मैं इस वक्त विभूति खंड इलाके के मधुरिमा होटल पर खड़ा हूं, जहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं भीतर लेके चलूंगा। 27 कमरों का ये होटल है। ये होटल के जो आने जाने के रास्ते हैं वो हम दिखाएंगे, और लेवाना अग्निकांड के बाद लगातार जिस तरह प्राधिकरण की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें ये देखना और समझना जरूरी है कि आखिरकार होटलों में आग से बचने के, लोगों को बचाने के क्या इंतजाम है। मधुरिमा होटल की ये लिफ्ट है और इसके बगल का जो ये एरिया है, ये होटल के अंदर जाने का रास्ता है। आप देख सकते हैं ये एक सकरी सी सीढ़ी जो भीतर की ओर जा रही है, यही वो रास्ता है जो होटल के अंदर जाने के लिए बना हुआ। आप तस्वीरें देखें, ये बेहद सकरा सा गलियारा है। कल लेवाना होटल में आपने तस्वीर देखी थी किस तरह से लोग फंस गए थे, चार लोगों की मौत हो गई थी, और ये एक होटल की तस्वीर है। इसके भीतर 27 कमरे हैं, आने और जाने का एकमात्र यही रास्ता है। इसके अलावा कोई फायर एग्जिट अलग से यहाँ पर नहीं बनाया गया। इस होटल का ये हाल इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि इसके ठीक बगल में मौजूद दूसरे होटल में अभी 6 महीने पहले ही आग लगने की घटना हो चुकी है। इसके बावजूद इस होटल में अभी भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस वक्त मैं लखनऊ के सेवी ग्रांड होटल में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें कि ये जो एरिया जिसको पार्किंग बताया गया है, आपको मैं दिखाता हूं, ये पार्किंग का एरिया डिक्लेयर्ड है मैप में, और अभी आप देखेंगे ये पार्किंग एरिया में बड़ा सा झूमर लगा है। आप सोचिए कि इस तरह के झूमर जो है वो क्या कभी कोई पार्किंग में लगाता है। इसके यही नहीं है, इसके अलावा आप देख सकते हैं चारों तरफ जो नीचे का टाइल्स है, फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, ये महंगी फ्लोरिंग है जो शायद ही कोई व्यक्ति अपनी पार्किंग में लगाता हो। इसके अलावा देख सकते हैं जो दीवारों पर वुडन वर्क किया गया है, कांच लगाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर विश्व वारुद्र ये इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का एक दफ्तर बना है, रियल इस्टेट कंपनी है, उसका एक ऑफिस यहाँ पर चल रहा है। जिस वक्त ABP न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी इस होटल की पार्किंग में किए गए अवैध निर्माण की तस्वीरें कैमरे में कैद कर रहे थे, उसी वक्त अचानक वहां हलचल शुरू हो गई और आनन फानन में कुछ गाड़ियों को लाकर खड़ा कर दिया गया, जिससे ऐसा लगे कि ये वाकई पार्किंग है। इस वक्त मैं लखनऊ के सेवी ग्रांड होटल में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें कि ये जो एरिया जिसको पार्किंग बताया गया है, आपको मैं दिखाता हूं, ये पार्किंग का एरिया डिक्लेयर्ड है मैप में, और अभी आप देखेंगे ये पार्किंग एरिया में बड़ा सा झूमर लगा है। आप सोचिए कि इस तरह के झूमर जो है वो क्या कभी कोई पार्किंग में लगाता है। इसके यही नहीं है, इसके अलावा आप देख सकते हैं चारों तरफ जो नीचे का टाइल्स है,
फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, ये महंगी फ्लोरिंग है जो शायद ही कोई व्यक्ति अपनी पार्किंग में लगाता हो। इसके अलावा देख सकते हैं जो दीवारों पर वुडन वर्क किया गया है, कांच लगाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर विश्व वारुद्र ये इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का एक दफ्तर बना है, रियल इस्टेट कंपनी है, उसका एक ऑफिस यहाँ पर चल रहा है। हालांकि हमारी पड़ताल में होटल मैनेजर का ये दावा गलत साबित हुआ। कुल मिलाकर सच्चाई यही है कि एक बड़े हादसे के बाद भी न ही होटल मालिकों और न ही इन होटलों में नियम कायदों की निगरानी वालों ने कोई सबक सीखा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।